नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना से 57 लाख से अधिक लोग संक्रमित तो 3,57,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 24,97,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, कोरोना मरीजों की संख्या 1,58,000 के पार, तो अब तक 4,531 लोगों की मौत, वहीं 67,000 से ज्यादा मरीज हुए थे। कांग्रेस के स्पीकअप इंडिया अभियान का आगाज, कांग्रेस के आला पदाधिकारी रख रहे हैं सोशल मीडिया पर अपनी बात। आयकर के दायरे में नहीं आने वाले के लिए केंद्र से नकदी की मांग, गरीबों के खातों में डाले केंद्र सरकार 10,000 रुपए। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 7,947, वहीं अब तक 179 संक्रमितों ने गंवाई जान, तो अब तक 4,500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। जम्मू कश्मीर में टला बड़ा आतंकी हमला, पुलवामा की तरह गाड़ी में रखी गई थी ईआईडी, सुरक्षा बलों ने वक्त रहते किया डिफ्यूज।